A very good morning to all of you. Today I am going to present to you the practical demonstration of the conditional statement. As we have already discussed about the control structure in previous video, so let's start with the practical implementation of this control structure. Enter any marks. और यहाँ पर मैंने कंडीशन लगाई इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन 33 देन सी आउट पास। तो इस केस में सिर्फ मैंने एक ही कंडीशन लगाई कि अगर किसी के मार्क्स ग्रेटर देन 33 है तो वो क्या होगा, पास होगा। लेकिन उसके लिए आपको मार्क्स वेरिएबल आपको डिफाइन करना पड़ेगा यहाँ पर इंट मार्क्स। तो मैंने ऊपर एक वेरिएबल डिफाइन किया है इंट मार्क्स, उसके बाद एंटर एनी मार्क्स, वो मार्क्स जो आप एंटर करोगे वो इस वेरिएबल में स्टोर होगा। उसके बाद ये चेक होगा कंडीशन, अगर कंडीशन ट्रू है तो फिर आपके पास आएगा रिजल्ट पास। इसको बिल्ड करो, बिल्ड करने के बाद आया एंटर एनी मार्क्स, मैंने एंटर किया 34, so it is saying that pass। अगर मैं मार्क्स एंटर करता हूं 32, so you are not getting any output in the screen, so in that case you have to use the else part, that is if else you can print here the message that you are fail। else मैसेज भी प्रिंट करना चाहिए, इससे पता लगता है कि अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो फिर क्या आउटपुट आप देना चाहते हो। 32, नाउ यू कैन सी द आउटपुट दैट इज फेल। तो अगर आप देखो कभी आप यूजर नेम पासवर्ड एंटर करते हो फेसबुक में, तो अगर आपका पासवर्ड यूजर नेम गलत है तो वो आपको मैसेज करता है इनकरेक्ट यूजर नेम और पासवर्ड। ATM पिन नंबर भी ऐसे ही होता है, जब आप ATM मशीन में जाते हो अगर आपने पिन नंबर गलत डाला तो वहाँ मैसेज आ जाता है इनकरेक्ट पिन। सो दैट्स व्हाई वी यूज एल्स। अगर हम एल्स इफ की बात करें, एल्स इफ मोर देन वन कंडीशन यू कैन चेक मार्क्स ग्रेटर देन 33 एवरेज, अगर ग्रेटर देन 80 है तो गुड, और यहां पर मैंने कर दिया एल्स सी आउट स्लैश एन फेल। अब आप यहाँ पर देखो पहली कंडीशन क्या हुई, अगर मार्क्स किसी के 80 से ज्यादा है तो वो गुड आएगा, अगर 33 से ज्यादा है तो एवरेज, नहीं तो फेल। तो आपका आ रहा है यहाँ पर आउटपुट गुड। अगर आप उसी को रन करो दोबारा तो आपका आ रहा है आउटपुट एवरेज। पहली कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुई, क्यों? पहली कंडीशन में आपका क्या है मोर देन 80 होना चाहिए वैल्यू, तो 81 वाज ग्रेटर देन 80, सो इट चेक दी सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या चेक किया कि अगर कोई नंबर 33 से ज्यादा है तो उसका क्या वैल्यू आए, एवरेज। अगर कोई मार्क्स एंटर करता है 31 तो उस केस में क्या फेल आ रहा है, क्यों? तो पहली कंडीशन है क्या 80 से ज्यादा नहीं है, ये फेल होगी। दूसरी कंडीशन क्या, मार्क ग्रेटर देन 33, ये भी कंडीशन फेल होगी। तो बचा क्या, एल्स। तो एल्स में आपका क्या आया, फेल। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।